ऐसी संकट की घड़ी में हमेशा देश एक बनकर के, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम मिलकर के तत्काल जितनी भी मदद पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो देश के कई हिस्सों में इस वक्त हालात बेहद खराब हो चुके हैं। कहीं दफ्तर में पानी भर चुका है तो कहीं कमर तक पानी में डूबे हुए हैं लोग। और सूरत में भारी बारिश की वजह से कई जगह पर सड़कें डूबी हुई हैं। अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आयुष अस्पताल में पानी भरने की वजह से लोगों के, फायर डिपार्टमेंट ने लोगों को किसी तरीके से वहां पर बचाया, तो वहीं झारखंड के लातेहार में नदियों के उफान से रास्ता बंद हो चुका है। तो देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, आधा हिंदुस्तान जलमग्न है। बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ का प्रकोप खास करके नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत के कुछ इलाके, ऐसी संकट की घड़ी में हमेशा देश एक बनकर के, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम मिलकर के तत्काल जितनी भी मदद पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं सफलतापूर्वक कर रहे हैं। लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया तो उन्होंने बाढ़ का जिक्र किया। इस संकट से देश का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित है। अब आप इस तस्वीर को देखिए। बिहार के गोपालगंज की तस्वीर बाढ़ से बिगड़े हालात की तस्वीर बयां करती है। गोपालगंज के चार प्रखंड मांझा, बरौली, सिद्धवालिया और बैकुंठपुर बाढ़ के कहर से परेशान है। दर्जनों गांव डूब चुके हैं और सरकारी स्कूलों में 3 फीट से ज्यादा पानी है। बरौली प्रखंड के इस स्कूल में 3 फीट से ज्यादा पानी है। इस पानी के बीच ही खड़े होकर झंडा तोलन किया गया। 200 बच्चों वाले इस स्कूल में पानी में सब कुछ बह चुका है। बिहार में 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 80 लाख से ज्यादा पर इसका असर हुआ है। बिहार से पड़ोसी राज्य झारखंड में भी हालात खराब हैं। झारखंड के लातेहार जिले के भारी बारिश की वजह से कई सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। नदियों के उफान की वजह से लोगों को पानी उतरने का इंतजार करना पड़ रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। झारखंड में अगले 4-5 दिनों में लगातार बारिश होने की संभावना है। झारखंड में अभी तक सामान्य से कम बारिश हुई है और ऐसे में बारिश होने से किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक एक बार फिर झारखंड में मॉनसून ने जोर पकड़ लिया है। हम अभी झारखंड के मौसम विभाग के बाहर मौजूद हैं। साफ तौर पर मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें इस बात को कहा गया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार होगी बारिश। राजस्थान में भी लगातार बारिश हो रही है। पिछले दिनों में जयपुर सहित कई जगहों पर जलभराव हो गया था। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर मलारना और निमोदा स्टेशन के बीच भारी बारिश के चलते कौथाली अंडरपास की मिट्टी धंसने से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। इसके करीब 4 घंटे तक रेल यातायात सेवा बंद रही। बाद में रेलवे कर्मियों ने अंडरपास पर रेलवे ट्रैक को ठीक किया। अब आपको सूरत का एक वीडियो दिखाते हैं। सूरत के आयुष अस्पताल में पानी घुसने की वजह से किस तरह हालात बिगड़ गए आप देखिए। हालत इतने ज्यादा बिगड़ गए यहाँ पर कि अग्निशमन विभाग को आकर यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। लोगों को खिड़की से निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। गुजरात के कई इलाकों में भी बाढ़ का असर इस वक्त बना हुआ है। कई इलाकों में लोगों के पानी में बह जाने से मौत की खबरें भी सामने आई है। तो गुजरात में अगले 5 दिनों के लिए अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान है। सौराष्ट्र, उत्तर और दक्षिण गुजरात में बारिश की संभावना जताई गई है। वडोदरा, सूरत, द्वारका में लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़े हैं। तो बारिश और बाढ़ की वजह से गुजरात में भी त्राहिमाम मचा हुआ है। राज्य के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। थाम लो, थाम लो।
बाढ़ की वजह से गुजरात भी काफी परेशान है। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। गुजरात के द्वारका में भी बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं, वहीं मवेशी भी इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कहीं कार डूब चुकी है तो कहीं सड़क का नामो निशान नहीं है। लोगों को ट्रैक्टर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। वहीं द्वारका जिले के हरमतिये की भंग नदी में 3 लोग पानी में बह गए। एक व्यक्ति को तो बचा लिया गया जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। सूरत के भी कई इलाके में पानी भर चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सूरत के कुछ इलाकों में घुटनों तक पानी भरा है। यातायात पर काफी बुरा असर हुआ है। घर पानी में डूब चुके हैं। वडोदरा में निचले इलाकों में तेज बारिश से पानी भर चुका है। विश्वामित्री नदी में पानी बढ़ने से घरों में पानी भर गया है। कई जगहों पर यातायात को बंद करना पड़ा। वहीं लोगों को घरों में मगरमच्छ घुसने का डर है। ब्यूरो रिपोर्ट। और उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर 2 मंजिला इमारत चंद मिनटों में गिर गई। गनीमत यह रही कि भारी बारिश की वजह से दुकानों को यहां पर पहले ही खाली करा लिया गया था। फिलहाल मलबा हटाने का काम यहां पर हो रहा है।